नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शायन परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए होम क्वारंटाइन रहने की अनिवार्यता हटाई गई, साथ ही अब एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्टिंग कराने की भी जरूरत नहीं। ये सुविधा उन्हीं यात्रियों को मिलेगी जिनका फुल वैक्सीनेशन हो चुका है, हालांकि उन्हें कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत करने के साथ ही 9 मेडिकल कॉलेज का किया उद्घाटन। पीएमओ के मुताबिक मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आरएन को छोड़ने के लिए मांगे गए थे 25 करोड़। किरण गोस्वामी के बॉडीगार्ड रहे प्रभाकर सेल ने एक हलफनामे में कई चौंकाने वाले दावे किए। सेल के मुताबिक ये मांग गोस्वामी ने एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े की ओर से की गई थी। बता दें कि प्रभाकर इस क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के गवाह भी हैं। राज्य में 5 दिन के लिए भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण कर्नाटक में 29 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम भारी बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तरी हरियाणा में अलग अलग जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना। दीव में जारी हुई स्पेशल कट ऑफ पर नहीं रहेगा कॉलेज कोर्स बदलने का विकल्प। इस कट ऑफ के तहत मंगलवार से छात्र दाखिले के लिए कर सकते हैं आवेदन। अब तक दीव में 70,000 सीटों में से 60,000 से अधिक सीटों पर दाखिला प्रक्रिया हो चुकी पूरी। गैंगवार में टिल्लू गैंग के बदमाशों की हत्या करने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि जेल में बंद जितेंद्र गोगी के बदमाशों के इशारे पर टिल्लू गैंग के बदमाश की हत्या की गई थी। वेब सीरीज आश्रम 3 के सेट पर बजरंग दल ने की तोड़फोड़। निर्देशक प्रकाश झा पर हिंदुओं को गलत तरीके से चित्रित करने का आरोप लगाते हुए सीआईपी की पथराव में वेब सीरीज दल के 2 बसों सहित कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए। बजरंग दल ने वेब सीरीज की शूटिंग नहीं होने देने की धमकी भी दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़, दोनों तरफ से जमकर हो रही गोलीबारी। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। वहीं स्पेशल इनपुट मिला था कि आतंकी मेंढर इलाके में छिपे हुए थे। भारत की हार के बाद पंजाब में कश्मीरी छात्रों पर हमला। पंजाब के संगरूर में भाई गुरुदास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कई छात्रों पर हमला किया गया। हमला करने वालों में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग शामिल। विधानसभा चुनाव से पहले वादों का दौर शुरू। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वादा किया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर किसी भी बीमारी के लिए 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में मिलेगा। धनतेरस से पहले खरीदे सस्ता सोना, सरकार 5 दिनों तक दे रही है निवेश का मौका। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 7वीं सीरीज के लिए कीमत 4,765 रुपए प्रति ग्राम तय की गई है, जो पिछले साल धनतेरस से 412 रुपए सस्ता है। मोबाइल रिचार्ज कराना महंगा, 50 रुपए से ज्यादा की रिचार्ज पर देनी होगी प्रोसेसिंग फीस। फोन पे ने शुरू किया ट्रांजैक्शन चार्ज। यूजर्स को प्रति ट्रांजैक्शन 50 रुपए से 100 रुपए के रिचार्ज पर 1 रुपए और 100 रुपए से ज्यादा की रिचार्ज पर 2 रुपए देने होंगे। ओला इलेक्ट्रिक ने लॉन्च किया पहला हाइपर चार्जर। कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल ने ट्विटर पर येलो S1 ई स्कूटर की तस्वीर हाइपर चार्जर से चार्ज करते हुए शेयर की। बता दें कि ओला इलेक्ट्रिक के हाइपर चार्जर ई स्कूटर की बैटरी को केवल 18 मिनट में 0 से 50% तक चार्ज करने में सक्षम है। चीन फिर से कोरोना की चपेट में। इनर मंगोलिया के एजिन में लॉकडाउन, 35,000 लोगों के घर से बाहर निकलने पर लगी पाबंदी। सरकार ने कोविड पाबंदियों का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड आयोजन शुरू। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू विजेता को पुरस्कार देकर सम्मानित कर रहे हैं। बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनौत को फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद पर होगा चुनाव। 20 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद से ही ये पद खाली। वहीं चुनावी प्रक्रिया में 7 अखाड़ों के शामिल होने की संभावना। मथुरा में रिक्शा चालक को आयकर विभाग का नोटिस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस थमाकर 3 करोड़ रुपए चुकाने को कहा। रिक्शा चालक ने नोटिस मिलने के बाद हाईवे थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही। हिमाचल में बर्फीले तूफान की चपेट में आए ट्रैकर्स। किन्नौर में 3 की मौत, 10 को बचाया गया। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें 112 नंबर पर हेल्पलाइन सूचना मिली थी। बताया गया कि कुल 10 ट्रैकर्स में से 9 मुंबई के हैं, जबकि 1 नई दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बयान पर बिहार में सियासी बवाल मच गया। लालू यादव ने दिल्ली से पटना आते वक्त बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को भक्त चोनहर बताया था। वहीं कांग्रेस ने लालू प्रसाद के इस बयान पर माफी मांगने को कहा। भारत में कोरोना संक्रमण का एक और नया वेरिएंट मिला। डेल्टा प्लस का ही AY42 वेरिएंट रूस, ब्रिटेन और यूरोप समेत कई देशों में तबाही मचा रहा। यही वेरिएंट भारत में भी ट्रेस किया गया। कर्नाटक में पहली से पांचवी कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल दोबारा खुल गए। इस दौरान COVID-19 से संबंधित गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जाएगा। बच्चों के स्कूल जाने के लिए उनके माता पिता की लिखित सहमति होनी अनिवार्य है। 10वीं 12वीं की टर्म 1 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जल्द किया जाएगा जारी। cbse.nic.in पर कर पाएंगे डाउनलोड। CBSE बोर्ड टर्म 1 की परीक्षा की डेटशीट के अनुसार 12वीं की परीक्षाएं 16 नवंबर से और 10वीं की एग्जाम 17 नवंबर से शुरू होंगे। 15 से 11 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए अमेरिका तैयार। नवंबर की शुरुआत में टीका लगने की संभावना। फाइजर बायोएनटेक द्वारा छोटे बच्चों के लिए कम खुराक वाले टीके के आपातकालीन इस्तेमाल के प्रस्तुत डेटा का मूल्यांकन किया गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क के मुख्य ढिकाला पर्यटन जोन के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू। 15 नवंबर से ये जोन पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। यहाँ पर्यटक नाइट स्टे के अलावा विभागीय वाहन से डे सफारी कर सकेंगे। रानी मुखर्जी और सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म बंटी और बबली 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। ट्रेलर को देखने के बाद फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई। फिल्म के ट्रेलर में सैफ अली खान का काफी जबरदस्त अंदाज देखने को मिल रहा। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज न्यूज चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।